और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तुम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 क्लास 6 के लिए, और इस समय हम पढ़ रहे हैं गणित। और हमारा नया बैच शुरू हो चुका है जिसमें हम लोग गणित का अध्याय एक संख्या एवं संख्या पद्धति, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। पहले बेसिक आप समझ लो, उसके बाद जब आपके पास जो भी बुक होगी, जब आप उसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर मैंने आपको संख्याओं की प्रणालियों के बारे में बता दिया था, ठीक है। ये मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ईसाई वाले बटन पे जाकर के देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। आगे हम लोग अब आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में, मतलब पूरी चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कर लियो, चलो भाई आते हैं संख्याओं पर। देखो, संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं, सबसे पहली बात तो कि ये जो संख्याएं होती हैं ये गणित का मूल आधार होती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कि गणित का मूल आधार। अब यहाँ पर मूल आधार का मतलब क्या है? बिना इसके बाबू गणित संभव नहीं है, ठीक है। दूसरी पॉइंट होती है कि इसकी जो दशमिक प्रणाली होती है, कैसी? दशमिक प्रणाली में, ठीक है। और दशमिक, अगर ये आ जाए कि भैया कौन सी प्रणाली होती है, तो आप कह देना कि इसमें दशमिक प्रणाली होती है। और दशमिक प्रणाली में कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। कुल अंक कितने हैं भाई? 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, इन अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं। अब हम आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाते हैं कि भाई बताओ कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी इनमें से पूर्ण संख्या है, ठीक है। या फिर ये पूछ लेता है कि भाई इसमें बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इस तरह से संख्याएं आती हैं। चलो, अब हम आ जाते हैं संख्याओं के प्रकार पे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छा है, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से पढ़ना संख्याओं के प्रकार के बारे में। देखो, सबसे पहला जो आता है वो है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं, और ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो, ठीक है, ये जो भी आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी कोई फीस नहीं लगती है, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं भैया? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। किसके लिए? वस्तुओं को गिनने के लिए। अब आप बताओ, वस्तुओं को, अगर आपको कोई चीज़ गिननी, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, कुछ भी, अगर आप गिनने के लिए आप कौन सी संख्याएं प्रयोग करते हो, आप बताओ भाई। आप कहोगे सर हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही चीज़ें गिनते हैं, बस मेरे लाल यही तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, और जहां तक भी आपको संख्याएं आती हूँ वो सारी की सारी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। समझ में आ गई बात? फिर दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। देखो, अब पूर्ण संख्याओं में क्या है? पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, इसमें हमको कुछ चीज़ें होती हैं जो स्कूल में सीखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप देखो शून्य, तो शून्य का प्रयोग हमको घर पे कोई नहीं बताता, लेकिन शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य तथा सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या होती हैं हमारी? ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, पूर्ण जीरो भी इंक्लूड कर लो, अगर आप जीरो भी इसके साथ शामिल कर लो, तो ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। यानी अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याओं को कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी सारी चीज़ें वही जहाँ तक आपको गिनती आती हो, ये सारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। अगला क्या आता है हमारा? तीसरा आता है हमारा भाज्य संख्याएं। देखो, बहुत ध्यान से देखना, भाज्य संख्या में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, यहाँ तक कि क्लास 8th के बच्चे भी नहीं बता पाते कि भैया ये कौन सी संख्याएं प्राकृतिक हैं, कौन सी संख्याएं पूर्ण हैं, कौन सी संख्याएं भाज्य हैं, कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले आता हमारा भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो
एक और खुद के अलावा, जो एक और खुद के अलावा किससे, एक सबसे पहली चीज तो एक से बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, मतलब एक नहीं है भाज्य संख्या, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक से, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो, अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो, ठीक है, अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। अब कहोगे ये कौन सी संख्याएं हैं, जैसे देखो बहुत ध्यान से देखना, अब जैसे मैं आपको एक संख्या देता हूँ चार, अब चार देखो कि कौन कौन सी संख्या के पहाड़े में चार आता है। आप कहोगे सर चार तो एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, फिर चार के पहाड़े में, मतलब एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं के अतिरिक्त भी यहाँ पर एक संख्या और आ रही है और इससे विभाजित है, तो इसका मतलब चार क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कौन सी होगी, ना शून्य होगी, ना एक होगा, ना दो होगा, ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी कौन सी, चार। बताओ भाई समझ में आया, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, चार होगी। आगे बढ़ो, अब यहाँ पर आता है चार के अलावा और आपको एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं संख्या लेते हैं छः, तो छः एक से विभाजित होता है, यानी एक के पहाड़े में आता है, फिर दो के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में भी आता है और छः के पहाड़े में तो आता ही है, यानी एक और खुद के पहाड़े के अलावा दो और तीन के पहाड़े में भी आता है, तो इसका मतलब छः भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आठ के बारे में देख लो, आठ एक के पहाड़े में आता है, फिर दो के पहाड़े में आता है, फिर चार के पहाड़े में आता है, फिर आठ के पहाड़े में आता है, यानी एक और खुद के अलावा भी दो अन्य संख्याओं से ये विभाजित है, तो इसका मतलब आठ भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। बताओ समझ में आ रही है बात। नौ पे आ जाओ, नौ एक के पहाड़े में आता है, तीन के पहाड़े में आता है, फिर नौ के पहाड़े में आता है, तो मतलब एक और खुद के अलावा भी ये एक अन्य संख्या से भी विभाजित है, तो ये क्या है, हमारी एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से बहुत सारी भाज्य संख्याएं हैं। आप काम क्या कीजिएगा, एक से लेके सौ तक, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्या है, एक से सौ तक सभी भाज्य संख्याएं लिखो, एक से सौ तक सभी भाज्य संख्याएं लिखो, ठीक, और उसके बाद क्या करना, अगर कोई आपके घर में चेक करने वाला है तो भाई उसको चेक करवा लो, नहीं है तो टेलीग्राम पर मुझे भेजना, ठीक है, भाज्य संख्याएं लिखो, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भाज्य संख्या आपको समझ में आ गई, अब हम पढ़ते हैं भाई अभाज्य संख्या पर। देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अब अभाज्य संख्या के बारे में फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य में क्या होता है, तीसरा चौथा पॉइंट है, एक तो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, दूसरी पूर्ण संख्या पढ़ी, तीसरी हमने भाज्य संख्या पढ़ी, और चौथी क्या हो गई हमारी, अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं ये भी संख्याएं एक से बड़ी होंगी, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, एक से बड़ी, ठीक है, एक से बड़ी संख्या, तो यानी एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो जो एक व स्वयं, ठीक है, एक व स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। अब ये क्या है, देखो भैया इसका मतलब क्या है, तो यानी अगर कोई ऐसी संख्या है जो केवल एक के पहाड़े में आती हो और खुद के पहाड़े में आती हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, दो एक, ध्यान रखिएगा, एक ना ही भाज्य में आएगा और ना ही अभाज्य में आएगा, तो दो देखो एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी और पहाड़े में आता है नहीं, एक में आएगा और खुद में आएगा, तो ये क्या है भाई बाबू, ये हमारी अभाज्य संख्या। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या भी केवल दो ही होगी, इन दोनों का उत्तर दो होगा। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे तीन देख लो, तीन केवल एक के पहाड़े में आता है, दो के पहाड़े में आता है, सॉरी तीन के पहाड़े में आता है। ऐसे ही अगर आप पाँच देखो तो एक के पहाड़े में आता है, फिर पाँच के पहाड़े में आता है। ऐसे ही सात के बारे में देखो तो एक के पहाड़े में आता है, फिर सात के पहाड़े में आता है। अगली कौन सी होगी अभाज्य संख्या, नौ नहीं होगी बाबू, नौ तो भाज्य है, वो मैंने आपको पहले बताया, तो होगी ग्यारह। ग्यारह एक के पहाड़े में आता है, फिर ग्यारह के पहाड़े में। ऐसे ही हमारा तेरह एक के पहाड़े में आता है, फिर तेरह के पहाड़े में आता है। फिर सत्रह एक के पहाड़े में आता है और सत्रह के पहाड़े में आता है। तो ऐसे ही बहुत सारी संख्याएँ हैं भाज्य संख्या। तो ये भी आप नोट करके देख लीजिएगा, फिलहाल पहला होमवर्क कम कर लीजिएगा, जो बचेंगी वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी। तो याद कर लीजिएगा कौन सी भाज्य संख्याएँ हैं और कौन सी अभाज्य संख्याएँ हैं। क्लियर हो गया, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारी सम संख्या, देखो पाँचवा पॉइंट है सम संख्या। अब सम संख्याओं के बारे में हमारे स्कूल में ये बताया जाता है कि जो संख्याएं दो से विभाजित हों, ठीक है, जो संख्याएं दो से विभाजित हों वो सम संख्याएं हैं। तो क्या गलत बताते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा गलत बताते हैं, लेकिन इससे सही तरीका क्या है याद रखने का, कि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक यदि शून्य, दो या चार या छः या आठ हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। बताओ समझ में आई बात? यानी कोई भी ऐसी संख्या अगर इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छः या आठ मिल गया तो भैया समझ लेना वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब कहोगे सर एग्जांपल देखे तो दिखाओ, चलो भैया एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम देखें दो चार छः, शून्य नहीं, ठीक है, शून्य को ना तो सम मानना ना ही विषम मानना। जैसे दो चार छः आठ दस बारह चौदह अट्ठारह सोलह, ये सारी क्या हैं? तो देखो सबके सब में के इकाई 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 देख रहे हो ना, तो सबका इकाई अंक कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई अंक अगर जीरो दो चार छः या आठ हुआ तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। अब कहोगे अगर बड़ी संख्या आ गई तो भैया हम बड़ी संख्या लिखते हैं पाँच नौ सात तीन आठ, इतनी बड़ी संख्या, क्या ये सम संख्या है? अब कहोगे हाँ सर ये तो पूरी तरह सम संख्या है, क्योंकि अभी आपने बताया कि इकाई का अंक अगर जीरो दो चार छः या आठ हो तो वो सम संख्या होगी। तो इसका मतलब आठ क्या है भैया, सम है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, सम होगी। चलो एक और बताओ, नौ पाँच सात आठ तीन दो जीरो, अब बताओ क्या ये सम संख्या है? बिल्कुल है भाई, केवल हमको लास्ट में देखना जीरो, अगर इकाई का अंक जीरो दो चार छः या आठ हो तो वो सम संख्या है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसी संख्या है, सम संख्या है बाबू। समझ में आ गया, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है विषम संख्या। देखो अब विषम संख्या में क्या होती है, विषम संख्याएं, अब ये बताया गया हमारे स्कूल में कि जो संख्याएं दो से विभाजित ना हों वो विषम संख्याएं हैं। तो भैया कहाँ बड़ी बड़ी संख्या दो से विभाजित करोगे? तो आप सीधी सी चीज याद रख लेना कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए भाई, अगर एक हो या तीन हो या पाँच हो या सात हो या फिर नौ हो तो वो संख्या क्या होगी, विषम होगी। बताओ समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखो आप, एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह, ठीक, फिर तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस, जहाँ तक भी आपको आती हो, ठीक, चलो ये तो समझ में आ गया। तो अगर आप देखो सब में एक तीन पाँच सात नौ, फिर एक तीन पाँच सात नौ, देख लो आखिरी अंक, तो यानी अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक एक तीन पाँच सात या नौ हुआ तो वो संख्या क्या होगी, हमारी विषम संख्या होगी। जैसे एक और देखो, जैसे हम कहते हैं पाँच नौ सात तीन आठ और एक,
ये सम संख्या या विषम संख्या आप बताओ। अरे कहोगे सर ये पूरी तरह विषम है क्योंकि इसका इकाई का अंक एक है और अगर 1, 3, 5, 7 या 9 हुआ तो वो संख्या विषम होगा। सही है, आगे देखते हैं 4, 3, 8, 9, 7, 2, 5 ऐसा इतनी बड़ी संख्या तो क्या होगी इतनी बड़ी संख्या। तो भाई देखो यहाँ आखिरी का अंक क्या है 5 और देखो मैंने क्या कहा कि अगर 1, 3, 5, 7 या 9 हुआ आखिरी का अंक तो वो संख्या क्या होगी विषम होगी। यानी ये दोनों संख्याएं कैसी हैं मेरे लाल विषम संख्याएं हैं। बताओ समझ में आ गया, सभी लोग बताएंगे ये समझ में आ गया। इसके पहले मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली और रोमन मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा करके इस आई वाले बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है चलो बाकी वीडियो अपनी शेयर जरूर कर देना। ठीक है जो भी आपके दोस्त वगैरह हों तो शेयर जरूर कर देना। चलो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है हमारा कि संख्याओं के योगफल से संबंधित सूत्र। देखो संख्याओं के योगफल से संबंधित सूत्र। अब देखो यहाँ पर कैसे आपको ये करना है कि कुछ संख्याएं दी होंगी आपको उनका योग कैसे करना है क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी होती हैं और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप उनको प्लस कर पाओ। तो उसके लिए भैया क्या करोगे आप सूत्र का प्रयोग करोगे। जैसे सबसे पहला सूत्र देखो, सबसे पहला सूत्र दिया गया है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमको कुछ लगातार संख्याएं दी गई जैसे हम कहें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक ऐसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ भैया इसको जोड़ने पर कितना आएगा आप कहोगे सर हम सबको ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे है ना तो जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करोगे आप जो अंतिम संख्या होगी अंतिम संख्या मान लो कि अंतिम संख्या सूत्र बनाने के लिए मान लेते हैं कि अंतिम संख्या जो है वो एन है। अंतिम संख्या क्या है एन है ठीक है मतलब क्या है ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है लगातार देख रहे हो एक से लेके ये जहाँ तक भी दिया होगा तो इनका सूत्र क्या होगा तो इसका योग हो जाएगा एन गुणे एन प्लस एक और बटे में हो जाएगा 2 बस काम खत्म हमारा। अब कहोगे सर कैसे ये वाला लगाएंगे तो देखो एन के आखिरी क्या 10 है तो यहाँ रखोगे 10 फिर 10 में 1 जोड़ोगे ठीक और फिर पूरे को 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10 × 10 = 11/2 तो 2×1 = 2, 2×5 = 10 ये समझ में आया ऐसे भाग कर लेते हो ना तो 11/5 कितना हो गया हमारा 55 तो इसका मतलब इसका योग कितना होगा 55 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं सभी लोग बताओ भाई इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलो समझ में आ गया होगा। दूसरा ये मैंने गुणा करके भाग किया है अगर आपको पहाड़ आता हो तो 2×5 = 10 ये ऊपर का नीचे से और नीचे का ऊपर से कट जाता है ठीक है यानी ये भाग है। चलो नहीं आता तो भैया अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है पढ़ लिया वहाँ पर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दूंगा ठीक है सब्सक्राइब कर लेना जाके। चलो अब देखो इसका दूसरा पॉइंट दूसरा सूत्र देखो अगर मान लो कि भैया प्रथम एन सम संख्याओं का योग पर पूछे जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 ठीक + 16 + 18 + 20 इतनी बड़ी संख्या। अब कहे भैया ये जोड़ के बताओ कितना होगा ये सम सारी के सारी सम संख्या है ना तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्राकृतिक ठीक प्राकृतिक संख्याओं का योग लगातार और ये लगातार सम संख्याओं का योग ठीक। अगर लगातार सम संख्याएं पूछे तो वहाँ पर क्या करना है आपको वहाँ पर आपको अंतिम जो भी दिया होगा ठीक है अंतिम जैसे यहाँ पर हमको ये दिया गया 20 कितना दिया गया है 20 दिया गया है तो आप क्या करोगे बाबू यहाँ पर अब बीच में एक एक का गैप है ये चीज़ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है कि नहीं यानी कुल संख्या कितनी है 10 संख्याएं हैं। कैसे निकालोगे आप मान लेते हैं कि भैया इसमें जो पदों की संख्या है ठीक है मतलब जो गिनने के हिसाब से पदों की संख्या जो है वो कितना हो जाएगा हमारा एन है ना और एन क्या है हमारा एन क्या है एन जो है अंतिम पद बटे 2 यानी जैसे 20 है तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 2 20 का आधा 10 ये समझ में तो इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई 10
नहीं समझ रहे हो, देखो गिनने पर देखो, इसलिए मैं छोटे छोटे संख्या लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो गिनने पर तो बहुत टाइम लगेगा, तो सीधा सीधा जो आखिरी संख्या दी होगी उसी को भाग कर देना 2 से, जैसे 20 को 2 से भाग करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10, 2 दहम में 20, तो यानी अंतिम पद हमारा मिल जाएगा 10। तो इसका योग कैसे निकलेगा, तो इसका योग होगा, देखो इसका योग कितना हो जाएगा हमारा, इसका योग हो जाएगा एन गुणे एन प्लस एक, यानी जो हमारा अंतिम पद आया है, देखो 10 और गुणे 10 प्लस 1, ये कर लो तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 और 1 11, तो 11 दहम में 110, तो इसका मतलब इसको जोड़ने पर कितना आएगा हमारा 110 आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना, ये चेक जरूर कर लेना, चेक कर लेना, उसके बाद देखेंगे कि भैया हमारी सही उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ये प्लस करके देखना और फिर बताना कमेंट बॉक्स में कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ गया ना। चलो भाई ये भी आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं अगला जो हमारा दिया गया, तीसरा जो सूत्र दिया गया है वो तीसरा सूत्र दिया गया है विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, विषम संख्याओं का, देखो विषम संख्या जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इतना ये लगातार विषम संख्याओं का योग, अगर ये पूछे कि बताओ भैया इसका योग कितना होगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे हम इसको निकालेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, एन निकालोगे, मतलब इसमें पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या अगर हम गिन के देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पद हैं, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, भैया देखो पहला पद एक ये वाला और ये वाला जोड़ देना और इसको 2 से भाग कर देना, तो कितना हो जाएगा हमारा 20/2, और 20 को 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा 10, बताओ समझ में आया, यानी पहला वाला और आखिरी वाला इनको जोड़ के 2 से भाग कर देना, पता लग जाएगा कि कितने पद हैं, तो ये हो गया हमारा 20, और 20 को हमने 2 से भाग किया तो हो गया 10। तो भैया विषम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसके लिए बहुत आसान सा सूत्र है और वो है एन का स्क्वायर, यानी कि एन गुणे एन, जो संख्या आपको एन मिला है उसी को गुणा कर दो, 10 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 10 दहम में 100, तो इसका मतलब 100 जो होगा इसका सही उत्तर होगा, बताओ समझ में आ गया, तो सभी लोग क्या करना, जोड़ के देख लेना, ठीक है, जोड़ के देख लेना कि क्या उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है या कैसे किया गया तो ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, तो जब लाइव क्लास संडे को होगी तो संडे को फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बताओ समझ में आ गया सभी को, तो है बड़ा ही आसान चीज, लेकिन आपको अगर समझ में आया तो ही आप कर पाओगे। चलो अब यहाँ पर क्या हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब हम कल से इस पर, हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग अर्जेंट पब्लिकेशन की बुक से इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, फिलहाल अभी आपके लिए एक होमवर्क है कि एक संख्या है हमारी और उस संख्या का नाम है 9, 5, 8, 7, 6, इसको लिखना है भारतीय गणना प्रणाली में, भारतीय गणना प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली में शब्दों में लिखना है, ठीक है, शब्दों में, ठीक, शब्दों में लिखो, कैसे लिखोगे भैया ये आप जानो, ऑप्शन दे दें क्या, चलो ऑप्शन ले लो, ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है हमारा 9876, 9876, 876, ठीक, चलो पहला हो गया ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देख लो, दूसरा है 95 लाख 876, 876, फिर तीसरा ऑप्शन है 95 हजार 876, 876, और
चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त यानी इन तीनों में कोई भी सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है तो बताइएगा भैया सही क्या होगा, ठीक है। चलो अगर नहीं हुआ तो बाकी ये आपके पास चार ऑप्शन है। ये हमको एक संख्या दी गई है और इसको भारतीय गणना प्रणाली में शब्दों में लिखना है, और शब्दों में इस तरह से लिखना। देखो पहला ऑप्शन 9876 ये सही लिखा है, या 95,876 लिखा है ये, या 95,876 लिखा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, ठीक है। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारी चीज़ें जवाहर नवोदय विद्यालय में उसका पेपर डेफिनेटली कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा अगर आप रेगुलर क्लासेज लेते रहेंगे, ठीक है। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड को अपने रिलेटिव को जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता हो उसको शेयर जरूर कर देना। बाकी फॉर्म भर, अगर आपने भर दिया अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरने के पहले पूरे जो प्रॉस्पेक्टस था जो भी फॉर्म आया है उसकी पूरी डिटेल हिंदी में मैंने बता रखी है एक वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। फॉर्म भरने के पहले जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज बाद में आपको इसके अफसोस ना करना पड़े कि भैया मैंने फॉर्म फालतू में फिल कर दिया, मैं एलिजिबल नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।